अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है इसको टॉपिक है भाई इंग्लैंड से रिलेटेड है, होम ऑफिस से रिलेटेड है। और जब होम ऑफिस से रिलेटेड हो तो इसका मतलब छापे भाई, होम ऑफिस एक्शन में आया हुआ है। और रीसेंट एक बहुत बड़ा फाइन उन्होंने किया है और एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भाई वो कर दिया है बंद, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है भाई। इस रेस्टोरेंट का नाम है रॉयल चाइना की कंपनी है, बेकर स्ट्रीट में रेस्टोरेंट है और उसका नाम है जी नाम मैं अभी आपको देखता हूँ जी, डिम सम रेस्टोरेंट है, ठीक है। इसकी एक स्टोरी 2018 से शुरू हुई है। 2018 में इस रेस्टोरेंट पे जनाब छापा पड़ा, ठीक है, और इस पे फाइन किया गया 30,000 पाउंड किया गया। 2019 में दोबारा छापा पड़ा और इलीगल वर्कर वहाँ से निकले तो जनाब दोबारा फाइन हुआ 80,000 पाउंड का। अभी रिसेंटली मई में एक और छापा पड़ा इस पर और 20 इलीगल वर्कर्स उन्होंने पकड़े, उसमें मलेशिया के, इंडोनेशिया के, चाइनीज और बस इधर उधर के बंदे थे, उनको पकड़ा गया, ठीक है। और एक वर्कर ने बताया कि मैं तकरीबन 60 घंटे करता हूँ और तकरीबन 4 पाउंड उसको देते हैं पर आवर एक हफ्ते का। आप देख सकते हैं अगर 20 बंदे काम कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट इन्होंने बनाया होगा, कितना इन्होंने बचते की है प्रॉफिट बनाया है। तो इन पे टोटल जो फाइन अब हो चुका है ना वो 4,70,000 पाउंड हो चुका है और लाइसेंस भी स्ट्रिप ऑफ, मतलब के इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और रेस्टोरेंट हो गया बंद, छुट्टी हो गई इनकी, ठीक है। तो ये है जी एक्शन, ठीक है। अब जो वर्कर पकड़े गए हैं कुछ लोगों के तो वीज़े, मतलब कि वो विजिट वीज़े पे आए हुए थे, जैसा आपको पता है मलेशिया के लोग आ सकते हैं वो तो विजिट, इंडोनेशिया के लोग भी किस तरीके से आ सकते हैं कोई इलीगल दाखिल हो गए। चाइनीज़ 2-3 पकड़े हैं, वो भी मतलब है कि उनकी भी ये सिचुएशन थी कि जी हम भी इधर इलीगल एंटर हुए हैं और बस फिर जारी बताए इधर जॉब मिल गई है, 4 पाउंड देते हैं। और एक्चुअल रेट आपको पता है 11.40 है यूके में इस वक्त रेट चल रहा है, तो वो देते हैं 4 पाउंड, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बचत इन्होंने की है। बचत लेकिन सारी बढ़ गई एक ही दफ़ा, 4,70,000 का ये नुकसान, ऊपर से रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। और अब जब उसकी मतलब के हियरिंग हो रही थी तो जनाब रॉयल चाइना ने कोई अपना नुमाइंदा भी नहीं भेजा कि भाई हमारा लाइसेंस जो है वो आपने रिवोक क्यों किया है, कुछ मतलब के हमें कोई एक और मौका दे दे। पर मौका अब कहाँ मिले, 2018, 2019 और अब 2024 में इन्होंने ये काम डाला है कि इतने बंदे इलीगल और लंदन में वो भी बेकर स्ट्रीट में, तो ये जी सिचुएशन है, ठीक है। अब उन बंदों का क्या बनेगा जो इलीगल है, सारी बात है, जो मलेशिया इंडोनेशिया के हैं चाइना के हैं उनके पास तो पासपोर्ट होंगे और उनको वापस भेज देंगे जहाज़ में सारी बात है बैठा के। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट ना होते तो शायद वो कुछ असालम वगैरह अप्लाई कर लेते, बनना तो कुछ नहीं था लेकिन ट्राई हो सकती थी, ठीक है। तो ये मेरी आज की वीडियो है, तो अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।